नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेन के निर्देशानुसार भारतीय रेल में रनिंग स्टाफ के उत्पीड़न के खिलाफ बुधवार 15 मार्च को सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया, जहां भारी संख्या में सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के कर्मचारी व महिलाएं उपस्थित रही। मोर्चे में रेलवे प्रशासन होश में आओ ऐसे नारे लगाते हुए भारी रोष व्यक्त किया गया। आज नागपुर शहर के सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा सेंट्रल रेलवे के कार्यालय में जमकर मोर्चा किया जा रहा है, जिसके नजारे आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहां मजदूर संघ के लोग मौजूद हैं और बड़े ही रोष के साथ यहां पर आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन में महिलाओं समेत काफी भारी संख्या में लोग शामिल है। अब वो किस लिए यहां पर ये आंदोलन किया जा रहा है और क्या उनकी मांगे हैं, ये जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में। इस आंदोलन में रनिंग स्टाफ की रनिंग रूम में आने के पश्चात मोबाइल फोन जमा करने के आदेश को तुरंत वापस लेने, लेवल 6 ग्रेड पे 4200 में लोको पायलट के पद को खत्म करने के प्रस्ताव को वापस लेने, SPAT के मामलों में निर्धारित मापदंडों का पालन लेने, क्रू के कार्य के घंटों का उचित मॉनिटर करने, कर्मचारियों को आवधिक विश्राम नियमित रूप से देने, रनिंग स्टाफ को ओवरटाइम का भत्ता समय पर देने, बिना लर्निंग रोड के ALPS को ट्रेन में कार्य करने के लिए बाध्य करना बंद करने, अनावश्यक रूप से स्टाफ को अधिकारियों के चैम्बर के बाहर घंटों प्रतीक्षा कराना बंद करें, पायलट एवं ट्रेन प्रबंधकों के उच्च पदों को तुरंत भरने जैसे अनेक मुद्दों पर यह मोर्चा नागपुर के मध्य रेलवे की लॉबी से DRM ऑफिस तक निकाला गया। मोर्चे में शामिल लोगों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को तुरंत पूरा नहीं किया जाता है तो वे आगे उच्च स्थल पर बड़ा आंदोलन करेंगे। ये हमारा जो रनिंग स्टाफ का आंदोलन है, सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने ये NFIR और CRMS के आह्वान पे ये आंदोलन रखा है, और जो हमारे डिवीजन में जो समस्याएं चल रही हैं, लोको पायलट से ओवर आवर्स काम कराना, आउट स्टेशन ज़्यादा रखना, छुट्टी नहीं देना, रेस्ट नहीं देना, और इन चीज़ों को लेके और भी बहुत सारी हमारी डिमांडें हैं, और कुछ नेशनल लेवल की डिमांडें हैं और कुछ डिवीजन की डिमांडें हैं, कुछ हेडक्वार्टर की डिमांड है। रनिंग स्टाफ हमारा जो है घर में नहीं रह पाता, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा कर रहा है, और जैसे अभी हमारा WAG 9 इंजन है और WAP 7 इंजन है, उसमें गर्मियों में 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और 50 डिग्री टेम्परेचर में हमारा लोको पायलट गुड्स और मेल काम कर रहे हैं, तो आप बताइए किस तरह की हालत होगी। प्रशासन उन चीज़ों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ओवर आवर्स हमसे काम कराया जा रहा है, मेल एक्सप्रेस के जो असिस्टेंट लोको पायलट है उनका लिंक नहीं है। डिविजनल सेक्रेटरी सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ नागपुर, हमारा जो आज का आंदोलन है वो हमारे रनिंग स्टाफ के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, प्रशासन जो नियमानुसार बातें हैं उनको भी इग्नोर कर रहा है। हमें नियमानुसार 9 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन 1 घंटे का 1.5 घंटे का उसमें एक्सेशन होता है, लेकिन फिर भी प्रशासन हमारे आदमी को 12-12, 14-14 घंटे की ड्यूटी लेता है। फिर हमें 16 घंटे के बाद बुलाना चाहिए, लेकिन प्रशासन 8 घंटे के बाद ही रिकॉल करता हमें, और हमें हमारी स्पैड के केस हो रहे हैं क्योंकि हमारे कर्मचारियों को बराबर रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, उनको कोई भी सुविधाएं नहीं है। हमारी जो महिला कर्मचारी हैं उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जैसा भी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, जो WAG 9 और WAP 7 उनका टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा आदमी काम कर रहा है, बताइए कि ये अत्याचार है नहीं क्या है। और हमारे जो इन्होंने रनिंग रूम दिए हुए हैं, रनिंग रूम में खाना बद से बदतर है, हमारी सुविधाएं कुछ भी नहीं है। जो हमारी महिला कर्मचारी हैं उनको रहने की सुविधाएँ नहीं है, उनकी मूलभूत सुविधाएँ नहीं है, ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग, और जो हमारा वर्धा का रनिंग रूम है वो एक तबेले के जैसा है, जैसे पशु बांधे जाते हैं उस प्रकार से हमारे आदमियों के साथ रखा जाता है, तो कितना बड़ा अत्याचार हम लोगों के साथ है। हम बार बार प्रशासन से बात कर रहे हैं लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, हमारे जो हेडक्वार्टर है NFIR है उसके निर्देश पे यदि हमें हड़ताल के लिए कहा गया तो हम हड़ताल करेंगे। स्टाफ प्रशासन की दोगली नीति है, एक तरफ तो काम ज़्यादा बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ रोज के रोज हमारे कर्मचारियों की कटौती करता जा रहा है। हमारे पास आज स्टाफ नहीं है, हमारे आदमी को इसके लिए हमारी फैमिली भी आई है, फैमिली आने का एकमात्र कारण यह है कि हमारे परिवार को, हमारे रनिंग स्टाफ को घर में रहने का मौका ही नहीं मिल पाता है, लगातार दबाव बनाया हुआ है, और मानसिक रूप से इसी कारण से हमारे आदमी डी कैटेगराइज हो रहे हैं।
काम पर जाते तो यही परेशानी है कि घर में इनको तो ड्यूटी का कोई टाइम टेबल है ही नहीं। जैसे ऐसे नियमानुसार 16 घंटे रेस्ट मिलना चाहिए, इनको 16 घंटे नहीं 14 घंटे में बुक कर दिया जाता है। कभी ऐसा है कि मोबाइल बंद करके रखो, ये सब भी बहुत रंग की प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चों को, जैसे बच्चे बीमार रहें तो बच्चे बीमार है घर में और टेंशन में जा रहे हैं ड्यूटी टेंशन में जा रहे हैं, उनको ऐसा हो जा रहा है कि टेंशन में मोबाइल भी बंद कर दो, उनको कुछ खबर मिलती नहीं है, इससे और परेशान। एक तरफ बोलते हैं कि अलर्ट होकर ड्यूटी करना है, अलर्ट में कैसे ड्यूटी ये करेंगे, वो तो टेंशन में घर से जा रहे हैं। तो ऐसा नियम क्यों निकालना, मोबाइल बंद कर दो, ये कर दो। जहाँ तक हम लोग इस समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, कोई पर्व त्यौहार नहीं टाइम पे अच्छे से मनाना, कुछ भी नहीं, कोई मैनेजमेंट है ही नहीं यहाँ पे। और वहाँ पे अभी 72 घंटे का भी ये हुआ नोटिस आया कि अभी 72 घंटे रखना है ड्यूटी में, तो 72 घंटे परिवार से अलग रहेंगे, बच्चे को कैसे हम अकेले मैनेज करेंगे, बीमार है कुछ है तो बोले 72 घंटे घर वापस नहीं आना है, तो ये सब के खिलाफ में तब हम लोगों को आगे उतरना पड़ा यहाँ पे। जब हमारे पति पे ऐसा आया, जब नहीं सुन रहे तो फैमिली को आना पड़ गया ना, ये लोग प्रशासन से मांग किए नहीं, मांग पूरा कर रहे हैं, तो हम अपने अपने सेफ्टी के लिए कौन जिम्मेदार होगा। जब हमारे पति को कुछ आए दिन किसी को भी कभी हार्ट अटैक आ जा रहा है ड्यूटी में ही, अटैक आके किसी की नींद नहीं हो रही है, परेशानी बहुत ज़्यादा, रेस्ट का बहुत प्रॉब्लम है, रेस्ट हमेशा डिप्रेस रह रहे हैं, हाँ डिप्रेशन में हमेशा रह रहे हैं, तो डिप्रेशन की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। हम विनती करते हैं कि जो रूल है उनको 16 घंटे का रेस्ट, रेस्ट रेस्ट बराबर होना चाहिए उनको, रेस्ट जो प्रॉपर जो नियम है उसके हिसाब से किया जाए। हाँ थर्टी रूल के हिसाब से काम कीजिए, जो रूल है, जब नया नया रूल देने की जरूरत नहीं है, सब बोले जबरदस्ती कर रहे हैं ना, दबाव पूरा लोको पायलट पर, रनिंग स्टाफ पे पूरा हो रहा है ना, तो इससे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है घर में। कुछ होगा हमारे हस्बैंड को तो कौन देखेंगे, जिम्मेदार कौन होगा इसके लिए। वो रेलवे के खाने, एक्स्ट्रा ड्यूटी आवर्स और अन्य कई मुद्दों को लेकर, अन्य कई असुविधाओं को लेकर यहाँ पर मोर्चा निकाला गया, और इसकी भी आशंका जताई गई है कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आगे तीव्र आंदोलन किया जाएगा। इसमें अन्य खबरें के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। कैमरामैन अजित कुमार के साथ अक्षा वहीद अंसारी, इन बीसीएन न्यूज़ नागपुर।